हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हमको किन कारणों की वजह से होता है। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कॉन्स्टिपेशन हमारे खाने पीने की गड़बड़ी से ही होता है। हमारे भोजन में फाइबर की कमी है तो उसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप अपने खाने में सब्जियां कम ले रहे हैं, हरी सब्जियां ही नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, जूस नहीं पीते हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं, चिंता करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की समस्या आम हो जाती है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन के काफ़ी ज़्यादा कारण हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप रात में सोते समय डल्कोफ्लेक्स की 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ खाकर सो जाइए। आपका सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। और अगर आपको गैस बनती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो आप सुबह खाली पेट रेबीमैक DFR टैबलेट ले सकते हैं, उसको खा लीजिए, आपको दिन भर गैस नहीं बनेगी। कॉन्स्टिपेशन में अगर आप टैबलेट नहीं खाना चाहते हैं तो आप सिरप भी परचेज कर सकते हैं। लूज सिरप मिलता है जिसमें लैक्टोलूज फार्मूला पड़ा होता है, या फिर लैक्टोलूज फार्मूले का आप डोफालैक्स सिरप भी ले सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। इन सिरपों को रात में 30 ml सोते समय आपको पीना है, सुबह आपका अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। ध्यान रखिए, कॉन्स्टिपेशन की कोई भी दवा आप रेगुलर यूज ना करें, आपको जब तक इसकी ज़रूरत है तभी तक लें, क्योंकि इन सिरपों और टैबलेटों की आदत लग जाती है, जिसकी वजह से फिर इन टैबलेटों को ना लेने पर आपका पेट साफ सुबह अच्छे से नहीं होगा। तो ध्यान रखें, आप इन सिरप या फिर टैबलेट को उतने समय तक ही लें जब तक आपका पेट साफ नहीं होता है। जैसे ही आपको इन प्रॉब्लम से राहत मिल जाए तो आप इस सिरपों को तुरंत छोड़ दें। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।